नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं बच्ची को इलाज के लिए एम्बॉय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र का है, जहां काउंसलर द्वारा 9 वर्ष की बच्ची अंशिका को लेकर थाने पहुंची, जहां शिकायत दर्ज कराई गई थी। बच्ची की मां का कोरोना में निधन हो चुका है, जिसकी देखभाल उसके मामा मामी करते हैं, जिसमें उसकी मामी उसे लगातार मारपीट करती हैं। मारपीट में बच्ची बुरी तरह से घायल है, जिसके हाथों पर जलने के निशान भी हैं। फिलहाल महिला काउंसलर की शिकायत पर पुलिस ने मामी लक्ष्मी जायसवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं बच्ची को इलाज के लिए एम्बॉय अस्पताल पहुंचाया है। हाँ, कल रात देर रात की एक घटना है। महिला काउंसलर मंजू चौधरी अंशिका नाम की बच्ची को लेकर के आई, जिन्होंने बताया कि अंशिका जो है अपनी मामी लक्ष्मी जायसवाल, वाइफ ऑफ राम प्रकाश जायसवाल के पास रहती हैं, जो कि गली नंबर 2 नेहरू नगर में रहती हैं। बच्ची इनको तंग आती थी, इसलिए से इन्होंने बच्ची के साथ मारपीट करी और आज से 2 दिन पहले उसको मारपीट करी थी, जिसके कारण दोनों हाथों में चोट है और उसने गरम गरम उसके चिमटे से जला दिया, तो बच्ची के दाहिने जांघ अंग में भी जो है जल गया है, जो घाव बढ़ गया था। इसकी सूचना मिलने पर हम लोगों ने तत्काल इसको MYS अस्पताल पहुंचाया है और मुकदमा कायम कर रहे हैं। सौतेली माँ की मामी लगती है ये, चूंकि बच्ची की माँ कोरोना में पिछले साल मर गई, तो उसके मामा जो हैं वो राम प्रकाश जायसवाल, वो अपने पास लिया और पालने पोसने लगे, लेकिन इस महिला ने चिढ़ करके उस बच्ची के साथ मारपीट की। बच्ची की 9 साल उम्र है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।